ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी आज की बहुरिया संध्या जी जो कभी शादी करना नहीं चाहती थी उसके बाद इनकी शादी हुई फिर ससुराल आने के बाद जो भी मिले इनको सब गुस्सेल ही मिले यहाँ तक कि ससुर भी बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे और उनको हर एक चीज उनके वक्त पे मिलना चाहिए था तो आइए मिलते हैं संध्या जी से नमस्कार संध्या जी सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं धन्यवाद शादी से पहले हर लड़की अपने मन में सपना संजो कर रखती है अपने पति के लिए आपके क्या सपने थे मेरे तो दोस्त टाइम कुछ भी सपने नहीं थे हम तो यही सोचते थे कि अभी शादी तो करे नहीं जब शादी मेरी जब ठीक हुई थी तो बहुत मुझे गुस्सा लगता था कि क्यों शादी थी अभी पढ़े कुछ जॉब ही करे लेकिन मम्मी पापा एक बार देखने आए लोग देखे पसंद आ गया बस शादी कर दिए लोग अच्छा क्या उम्र थी आपकी उस टाइम तो हार्डली हमें लगता है कि अठारह उन्नीस के लगभग में ही होंगे तो आपके पति आपके मन मुताबिक थे हाँ, मेरे मन मुताबिक तो थे स्मार्ट थे बट ये था कि वो सरकारी सर्विस नहीं करते थे वो प्राइवेट सेक्टर में है वो सासू माँ के बारे में आपने क्या सोचा था और कैसी हैं वो सासू माँ के बारे में तो उस टाइम स्टार्टिंग में कुछ नहीं सोचे थे पहले बोले कि हमें शादी करने का उतना कुछ सोचे ही नहीं थे लेकिन जैसा सोचे तो माँ तो ठीक हैं, कोऑपरेटिव भी हैं और ये थी कि कभी किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करती थी जैसे बोले कि माँ मुझे ये करना है तो हाँ कभी ये नहीं बोलती थी नहीं तुम ये नहीं करो वो नहीं करो हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी है वो तो करो क्योंकि मैं सबसे घर में बड़ी बहु थी अच्छा। तो इसीलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाती थी शादी के बाद जब आप यहाँ आए तो आपके लिए तो बिल्कुल नया नया सब कुछ था तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम तो आई होगी तो उसको कैसे आप टैकल किए क्या थे कि यहाँ पे अब मैके में तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है और यहाँ पे आइए तो ए से जेड पूरी ज़िम्मेदारी होती है ये करना है वो करना है और शुरू से ही करना है सबसे माँ कुछ भी काम नहीं करती थी माँ है जो बिल्कुल शुरू से काम नहीं करती थी एक्चुअली क्या था कि पहले बड़ी ननद थी तो मेरे आने से पहले वही पूरा काम करती थी उसके बाद हमें ज़िम्मेदारी मिल गई स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था बट एक चीज़ का ज़्यादा मुश्किल ये होती थी कि यहाँ पे नाश्ता करने का कोई टाइम नहीं था सुबह का ब्रेकफास्ट कोई दस जी कोई कर रहा है कोई मैंने कोई टाइम टेबल नहीं थी अच्छा। इसलिए मुश्किल होती थी अब मुझे था कि सबेरे नाश्ता करने का अब वेट करते रहो माँ चलो चलिए खाली से इन लोगों तो रुको ये करेंगे तो वो करेंगे तो इसलिए अच्छा। मुश्किल होती थी अब उस चीज को आपने अपने हिसाब से किया सुधार हाँ, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल हम अपने हिसाब से लिया लिए बिल्कुल उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होती है अब तो माँ को भी बोलना पड़ता है माँ अब उन लोगों को क्या इंतजार करना था कहती है हाँ ठीक है लेकिन हाँ अभी भी माँ का टाइम टेबल अलग है हम लोग बहु लोग कर लेते हैं तो माँ का अभी भी टाइम टेबल अलग है अच्छा ससुराल के तौर तरीके जो होते हैं वो सीखने में आपकी सासू माँ ने मदद किया सासू माँ तो नहीं उतना बोली इसलिए कि माँ तो कोई घर का काम करती नहीं थी तो मेरी मम्मी ही जो बताती थी, थी बेटा ऐसे करना वैसे करना तो मम्मी जो भी बोली उस अनुसार के मुझे यहाँ को भी लोग को बहुत पसंद आया सासू माँ से कैसा रहा शुरुआत में नहीं सासू माँ तो खुल ही माइंड किया लेकिन कभी ऐसी नहीं है कि हम लोग में नक झुक हो <laughs> जब पहली बार आप आए थे यहाँ तो खाना बना आता था उस टाइम बनाने आपको हाँ खाना बनाने का मुझे बहुत शौक था बचपन हाँ अनमेरिड में भी बहुत शौक था खाना में मैंने जो भी ऐसा कुछ बुक वगैरह कुछ में भी देखे कुछ स्पेशली डिश हो तो हाँ उसको जरूर बनाते थे तो इसलिए खाना बनाने में मुझे लेकिन हाँ ये दिक्कत बस होती कि पूरी जिम्मेदारी नहीं थी मुझे अच्छा मैके में कोई जिम्मेदारी नहीं थी फ्री लाइफ था चलो ये करना है तो किए और नहीं करना है तो हाँ बेटा छोड़ दो मैं कर दूंगी अच्छा तो क्या परिवर्तन लाए आप यहां आने के बाद नाश्ता करने का ब्रेकफास्ट हुआ वो चेंज कर दिए लोगों को नेचर में बहुत सेंसिंग आ गई बहुत गर्म नेचर का थे पल भाड़ में तुरंत गुस्सा हो जाते थे लोग अच्छा तो ये मुझे बहुत सोचना पड़ता था कोई इंसिडेंट याद है क्या पापा बोले कि बेटा ये बनना है और ये लाके कुछ भी दे दिए तो वो मुश्किल होती थी ये हमसे मैंने उतना मैंने हम नर्वस इतना ज्यादा हो जाते थे कि मुझे समझ में नहीं आती थी कि कैसे करें तो उसमें था कि माँ बनाती थी ससुराल में आपको किस बात पे ज्यादा पूछा जाता है मेरी नहीं सर जैसे कोई भी गेस्ट आवे गे, कोई भी फैमिली आए तो सबसे पहले हम ही मैंने ये नहीं है कि फैमिली आए तो इग्नोर कर दो चलो हम अपने बैठे हुए हैं तो रुमे ही बैठे रहे तो इसलिए मुझे कोई भी पहले इंट्री घर से मैं करते हैं कोई भी अदर आदमी चाहे कोई भी फैमिली तो पहले मुझे ही याद करते हैं बड़ी वाली बहू है कि नहीं तो इसलिए मुझे ज्यादा याद करते है हैं अच्छी बात है ये ये होना चाहिए वो कौन सी ऐसी बात है जिस पर आपकी कभी सासू माँ से अनबन हुई होगी या होती है हाँ माँ एक बात पे गुस्सा होता की जब भी मैं मैके जाने के लिए बोलती हूँ माँ मैं जाऊंगी तो थोड़ी सी माँ को अपसेट हो जाती हैं। मैंने पता नहीं उनको क्यों लगता है कि मैंने नहीं वहाँ नहीं सब यहीं पे जब भी जाने के लिए कैसे नाराजगी कैसे दिखाती है थोड़ा सा चेहरे का भाव जो चेंजिंग हो जाता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा अच्छा तो उनको भी शायद आदत हो गई होगी आपकी है ना जी पति कैसे हैं आपके अच्छे भी हैं लेकिन ठंडे दिमाग का नहीं है थोड़े वो वो भी थोड़े गुस्से में पल भर में सेकेंड में गुस्सा हो जाएंगे और सेकेंड में नॉर्मल भी हो जाएंगे वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने पति में बदलना चाहती हैं आप एक आदत है कि जो लेट तक घर आने का वो क्या होता है कि शाम को सभी लोग बाहर सड़किल सब दोस्त रहते हैं तो थोड़ा लेट से घर में आते हैं तो ये मैं चाहती हूँ कि नहीं तुम ऐसे आ जाए अच्छा और कुछ नहीं है नहीं ऐसी कुछ कह रहा है कौन सी ऐसी चीज है जो सासू माँ में बदलना चाहती है नहीं माँ के बारे में तो अगर बोले तो कुछ भी नहीं मुझे ऐसी लगती है कुछ भी ऐसी नहीं लगती है कि बदलना जो चाहे जब तारीफों के फूल आप बांध रही हैं सासू माँ के लिए और इतनी सारी बातें कर रही हैं तो आपकी सासू माँ से मिलना तो पड़ेगा बिल्कुल तो चलिए आइए मिलते हैं इनकी सासू माँ से तो अब हमारे साथ आ गई हैं बिग बहुरिया संध्या जी की सासू माँ लीलावती देवी नमस्कार नमस्कार एक आदर्श बहू के लिए क्या सोचे थे आप सोचे थे कि मेरे बहू आए बढ़िया आए जो हम कहे जो सुने समझे घर रस्ती बनिया संभाले अपना परिवार में सब मिल के रहे माँ बेटी सन यही सोचे जो सोचे जो मिला अच्छा तो जैसा सोचे थे आप वैसी ही निकली हाँ वैसी निकली बहू को कुछ सिखाने का मौका मिला आपको कुछ सिखाया सिखाए बहू हमको से चलाक है सब चीज जानती है पहले से ही परिपूर्ण हाँ। आई चलिए बहुत अच्छी बात है आपको बहू की कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी भी लगती है और कौन सी ऐसी बुरी बुरी बात बात है जिसको बदलना तो नहीं है नहीं नहीं तो अच्छी बात कौन सी है अच्छी बात है कि जैसे घर गृहस्थी संभालती है सब कुछ करती है जो कहते हैं हम चाहे पापा तो सुनती है करती है अवका चाहिए हम लोग के अच्छा सास के भी होना चाहिए कि बेटी ऐसा रखे पुत्रो के भी होना चाहिए कि हाँ सास के माँ ऐसा समझे वही बात है तो कोई ऐसा आ, इनका नहीं बदलने लायक कोई व्यवहार नहीं, नहीं बदलने लायक नहीं है कुछ भी बुरा नहीं, नहीं लगा कुछ भी बुरा ऐसा बुरा हो नहीं, नहीं सकता है। नहीं, इतने साल में कुछ तो हुआ ना शादी के अभी तक तो ठीक है चरा आगे के भगवान जाने कभी झगड़ा नहीं नहीं मिला कभी हम ही तो कभी कभी कुछ बोल देते हैं हाँ, जैसे जब चुला चुला है के हैं। जैसे बोल रहे हो इसे जैसे प्यार भी करते हैं बेटियों से समझते हैं तो कभी बोल देते हैं आपका और उनका तालमेल कैसा है एक माँ बेटी के जैसा है एक थोड़ा सा तो फर्क है फर्क है ना हाँ। क्या फर्क यही है, है कि मैंने जितना जल्दी आदमी माए के बात सुनता है उतना जल्दी से सास के बात नहीं सुनता है अच्छा यही बस। तो आप, आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनती है कुछ बात ऐसा तो लगता है बाकी हर चीज में तो ठीक है क्या कुछ बात जैसे अब जैसे हुआ ना, जैसे हम कभी खिसे आके बोलते तो हैं थोड़ा मन मोटाव कर लेती है अच्छा फिर हम ही बोलते हैं बातचीत है। नहीं करती है हाँ थोड़ा सा रूस जाती है सुने ही कि आप उनको मायके नहीं जाने देते हैं नहीं जाने देते ही वजह से दो बच्चा है एगो कॉलेज में पढ़ता है एगो ट्यूशन कोचिंग जाता है तो नौ बजे रात के आता है एगो ये छोटा वाला बच्चा है तो वो पढ़ता है तो ये लोग के स्कूल भेजाना नाश्ता खान लंच देना नहीं। होता ना है तब हम मेरा देह नहीं चलता है नहीं। तो कौन करेगा इसीलिए रोक लगाते हैं हाँ और नहीं झगड़ा भी तो मेरा बेटा भी खुश रहता ना झगड़ा नहीं होता अच्छा झगड़ा कभी नहीं हुआ है चुप हो जाते हैं आप अब बोलवे नहीं करते बच्चा सब पढ़ता है तब अपने नहीं जाती है माँ आती है तब अपना जाती है एक दिन दो दिन रहती है, है। तो इसमें क्या बदलाव चाहती है आप? चाहते हैं कि मायके नहीं जाए अपना ही रहे बढ़िया से बस यही इतना बदलाव चाहते हैं और कुछ नहीं और कुछ नहीं चाहते हैं चलिए तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकिन ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे संध्या जी और संध्या जी के पति से